जम्मू कश्मीर के शोपियों में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में रुद्रपुर का लाल शहीद हो गया। शनिवार की सुबह सेना के सर्च ऑपरेशन के दौरान हुई घटना में सेना के हवलदार रुद्रपुर के हड़वा गांव के बरीपार गांव निवासी युवक को गोली लग गई। कुछ देर बाद वह शहीद हो गए। उनके शहीद की खबर आते ही रुद्रपुर में शोक की लहर दौड़ गई। एकाकोना थाने के सचचोली पटवनिया गांव के मूल निवासी शेषनाथ यादव अपने ससुराल हड़वा के बरीपार में मकान बनवा कर रहते हैं। उनका बड़ा बेटा संतोष यादव बीएसएफ में हवलदार के पद पर तैनात थे। वर्तमान में उनकी ड्यूटी जम्मू कश्मीर के शोपियां में थी। शनिवार की सुबह भारतीय सेना शोपियों के जेनापोरा इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। इस दौरान आतंकियों से उनकी मुठभेड़ हो गई, जिसमें सेना के दो जवान शहीद हो गए। शहीद में रुद्रपुर के संतोष यादव भी शामिल थे। सेना की जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी भी मार गिराया। आपको बता दें कि जैसे ही घटना की खबर उनके क्षेत्र में पहुंचे तो लोग गमगीन हो गए। शहीद के दरवाजे पर लोगों की काफी भीड़ जुट गई। शहीद के परिजन दहाड़े मारकर रोने लगे। परिजन की चीख पुकार सुन लोगों की आंखें भर आई थी। जम्मू कश्मीर में रुद्रपुर के लाल के शहीद होने पर लोगों की आंखें नम और दिल में गुस्सा था। मां मैना देवी का रो रो कर बुरा हाल था। पत्नी धर्मशिला और दो मासूम बच्चे पलक और जानवी बेहाल होकर रो रही थी। शहीद का छोटा भाई मनोज यादव भी सेना का जवान है और वह वर्तमान में उनकी तैनाती ग्लेशियर में है। हेलो उत्तराखंड की तरफ से भी शहीद जवान संतोष यादव को भावभीनी श्रद्धांजलि। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन शक्ति प्रदान करे। जय हिंद।